हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि और काफ़ी लोगों की डिमांड रही कि एक रेगुलर ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि होता यह है कि जैसे फ्री में अवेलेबल चीज़ें जो थी और ऑलमोस्ट आपका हमने 600 से अबव वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल करा दिए हैं यूट्यूब पे, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, जो हमारे नोट्स हैं थोड़ा सा वो रफली होते हैं तो उसको थोड़ा अलग से लिखवाया जा रहा है। तो कई लोगों की डिमांड होती थी, चूँकि काफ़ी लोग प्रॉपर वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो वो डिमांड कर रहे थे कि पीडीएफ जो है मिल जाए तो आराम से जो है हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक पीडीएफ ग्रुप बना दिया जाए जो ज्योग्राफी पे बेस्ड होगा, और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कब से चालू किया जा रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, सब इसमें हमने अवेलेबल कराया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों का ग्रुप है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करिएगा। और ये ज्योग्राफी का जो पीडीएफ यूनिट है, हमने जो एनवायरनमेंट का टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट कराया है टॉपिक वाइज, तो वही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अभी उसका जो बेस प्राइस रखा गया बहुत मिनिमम है, 50 रुपीज़ रखा गया है। और यदि आप एनवायरनमेंट की कोई भी बुक लेंगे, ठीक, तो आपका ये मान के चलिए कि 200 के एवब वो बुक मिलेगी कम से कम। और यहाँ पे हम आपको फर्स्ट पेपर का जो ज्योग्राफी का जो है पूरा कंप्लीट यूनिट पे पीडीएफ अवेलेबल करा रहे हैं, जो पर्यावरण भूगोल का है। ठीक, और इसमें क्या है कि आपका प्लस जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया पीडीएफ में। ठीक, और इसी तरह से पूरे ज्योग्राफी का पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अभी जो क्लाइमेटोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है और ओशिनोग्राफी यूट्यूब पे कंप्लीट है, और जियोमॉर्फोलॉजी पॉपुलेशन नहीं हुआ है, अधिवास भूगोल नहीं हुआ है, तो इसके पीडीएफ भी जल्दी क्रिएट कराए जाने और ऑलमोस्ट बन गए हैं, तो इसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो जिन जो भी इंटरेस्टेड हैं मित्र, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर चैलेंजिंग होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही आपको जेआरएफ से रोकता है। तो यहाँ पर हमने ये कोशिश किया कि एक डिस्कशन का ग्रुप बनाया जाए, बहुत ही मिनिमम बेसिक, बहुत मिनिमम इसका पेमेंट रखा गया, ये 499 पेमेंट है। ठीक, और इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं जिसको कंप्लीट कराया जाएगा, और उस पर आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, साथ ही वीडियो भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, वो वीडियो लिस्ट भी केवल उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो पेड कोर्स का वो लिए रहेंगे। ठीक, और यूनिट वाइज आपको प्रत्येक यूनिट का लगभग 200 से एवं प्रश्न कराए जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो आपके पूछे गए हैं उसका भी डिटेल यहाँ पे कराया जाएगा। और यहाँ पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके परीक्षा, जैसे जून परीक्षा में जो 50 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो हम 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो आपको लगभग यहाँ पे हूबहू कई प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉपर ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग 50 इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे आपको, जिसमें फर्स्ट पेपर भी रहेगा और ज्योग्राफी भी रहेगा। ठीक, तो ये जो लोग भी मित्र इंटरेस्टेड हैं, कल देखिए लास्ट डेट है, यहाँ पे लिखा भी है 26 अप्रैल कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा गूगल पे पे, या जो भी आपका है वो स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा वहाँ पे जो है, या इस नंबर पे आप भेजिएगा स्क्रीनशॉट, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक, जो लोग ये लेंगे उनके लिए एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का जो पीडीएफ 50 रुपये का अलग से दिया जा रहा है वो इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो अब तक आपने 19 लेक्चर में पढ़ा है। 19 लेक्चर में जो आपने पढ़ा सब कुछ आज हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान, औद्योगिक समय यानी कि जो आपका 1990 के टाइम पीरियड के पहले के जो रहे हैं, यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी में भी आपका औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। ठीक, तो पूछ रहा है कि औद्योगिक समय के औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे बढ़ने न दिया जाए।
ऑप्शन है आपके पास 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, या 2 से लेके 3.5 तक, या 0.5 से लेके 1 डिग्री तक, या फिर 0.25 से लेके 0.5 डिग्री तक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। ये देखिए आपका पेपर वन में पूछा गया प्रश्न है UGC का, और ये हमने कराया भी है। यदि आप टोटल वीडियो देखे होंगे तो जलवायु परिवर्तन वाले पार्ट में हमने ये कराया भी है, ठीक। और वहाँ पे जब आप क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर देख रहे थे, पेरिस में भी हमने ये बताया आपको। तो यहाँ पे आप राइट आंसर कमेंट में करिए, राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक। 4 से 5 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, ठीक। ये आपका कानकुन सम्मेलन में भी, जो मैक्सिको में हमने आपको बताया है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की जब बात कर रहे थे, तो 2010 में ये जलवायु परिवर्तन संबंधी यहाँ पे समझौता हुआ था, ठीक। और यहाँ पे सहमति बनी थी कि औद्योगिक समय की जो औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में जो धरती का सतही तापमान है उसको 1.5 यानी 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के बीच ही मैक्सिमम रखना है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण केंद्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक। नेशनल डिजास्टर जो अथॉरिटी है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका किसके अंतर्गत काम करती है, यानी कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पर्यावरण मंत्रालय के, जल संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय। चलिए सही आंसर आप लोग कमेंट में करिए। ये हमने बताया भी है आपको, जब हम जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो NDMA का जो गठन किया गया है, या ये जो कार्य करता है किस मंत्रालय के अधीन करता है, तो राइट आंसर इज गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक। और होम मिनिस्ट्री का जो NDMA काम करता है, इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अध्यक्ष इसका PM, ठीक, कौन होता है, PM होता है। और यह संस्थान 42 सदस्यों का एक निकाय है जिसमें एक्सपर्ट रहते हैं, साथ ही साथ साइंटिस्ट रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं, ठीक, और अन्य नोडल मंत्रालय भी इसमें सचिव स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपका इसमें शामिल होते हैं NDMA में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटेक। इंटेक को, यानी इंटेच को, देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए जाना जाता है, इसका पूरा नाम क्या है, INTACH को देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए माना जाता है, इसका पूरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा आपका ICT में भी इसी तरह से प्रश्न पूछता है फर्स्ट पेपर में, और ज्योग्राफी में भी आपका कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो ऑप्शन है आपके पास इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। दूसरा है, ये दोनों सेम जो है वो हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, या इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये हमने आपको कराया भी है, ये आपका पेपर वन और
पेपर टू ज्योग्राफी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए संबंधित है या किससे संबंधित है। ओजोन अवक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर इज क्लाइमेटिक चेंज। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पे सम्मेलन आयोजित किया गया, और यह कब आयोजित किया गया था? UNFCCC का ये के तहत ये जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन था। ठीक, 1995 में यह संबंध में इसमें बात की गई, और इसी में ग्रीन हाउस से संबंधित भी बात की गई थी। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसें हमने आपको बताया है, 7वीं जो है जो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, इसको भी हमने आपसे पूछा था, ग्रुप में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ठीक, और यह कब प्रभावी हुआ था कमेंट में बताइए, हमने ये कराया है आपको, कब प्रभावी हुआ था? फरवरी 2005 में, और हस्ताक्षर कब इस पे हुआ था? 1997 को। ठीक, और इसमें क्या बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो 1990 की तुलना में कितना फीसदी की कमी करना है? 5.2% की कटौती करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षय, खतरनाक अपशिष्ट या जैव विविधता? तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, इसको आपके UGC के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें दिया भी है, जैव विविधता सम्मेलन। ठीक, हमने जो आपका कोर्स कराया है 19 लेक्चर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का, उसमें जैव विविधता के सभी सम्मेलनों को नहीं कराया है। ठीक, क्योंकि एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के यूनिट में ये नहीं दिया गया था, लेकिन जब आप नोट्स यहाँ पे परचेज करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, साथ ही साथ ऊर्जा संसाधन नहीं कराया हूँ तो ऊर्जा संसाधन भी आपको नोट्स में मिलेगा, और उससे रिलेटेड डाटा भी मिलेगा। ठीक, आंकड़े सब करेंट अपडेट रहेंगे, राइट, इसलिए यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिएगा। खतरनाक अपशिष्ट, जैव विविधता, ओजोन क्षय, जलवायु परिवर्तन, तो नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से। ठीक, नागोया प्रोटोकॉल ये आपका 24 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में इसका सम्मेलन किया गया था। ठीक, जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए 2010 का यह ऐतिहासिक संधि हुई थी, और इसमें 193 देश जो है शामिल हुए थे। ठीक, 193 देश शामिल हुए थे, इस मतलब कि अपना मत इस पे रखे थे, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि वन का भी रक्षण की बात की गई है, और जमीन जल संसाधन के रक्षण की बात की गई, संरक्षण की, मत्स्यन का भी प्रबंधन करने की बात की गई है। ठीक, और इस संधि में जैव विविधता को बचाने के लिए 17% भू क्षेत्र और 10% समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करने की बात इसमें की गई है। ठीक, भारत भी नागोया प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? UGC नेट फर्स्ट पेपर में पूछा था। ठीक, और राष्ट्रीय कार्य योजना हमने आपको कराया भी है, इसके 8 लक्ष्य हैं, इसको हमने नहीं बताया आपको 8 लक्ष्यों को। ठीक, केवल हमने राष्ट्रीय कार्य योजना की बात की थी, 8 लक्ष्य क्या क्या हैं इसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, सौर शक्ति, अपशिष्ट ऊर्जा, वनीकरण, नाभिकीय ऊर्जा, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि इस प्रश्न को करने के लिए आपको 8 लक्ष्य का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप 8 लक्ष्य को क्लियर कर लीजिए। नंबर 1 है सौर ऊर्जा, क्या है?
सौर ऊर्जा, दो नंबर पे है ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना यानी ऊर्जा क्षमता, नोट डाउन करते चलिए। तीसरा है टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चौथा है जल संरक्षण, ठीक। पांचवा है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालय पारितंत्र, ठीक। पांच हो गया। छठा देख लीजिए, छठा है ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ठीक। सातवां है टिकाऊ कृषि, टिकाऊ कृषि। आठवां है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक मंच, जलवायु परिवर्तन मंच कर लीजिए साठ में, परिवर्तन मंच, ठीक। आठ हो गए, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उतना अच्छा नहीं लिखा गया लेकिन इतना ख़राब भी नहीं कि आप न समझ पाएँ यदि वीडियो एक बार देख लेंगे तो। तो पहला क्या है आपका, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा क्षमता, तीसरा है टिकाऊ विकास, चौथा है जल संरक्षण, पाँचवा हिमालयी पर्यटन, छठा है ग्रीन इंडिया, सातवां है टिकाऊ कृषि, आठवां जलवायु परिवर्तन मंच। ये आपका भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ लक्ष्यों के बारे में बात की गई है इसमें, जलवायु की जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी, ठीक। तो इसमें आपने देखा कौन सा नहीं है, सौर शक्ति था, ठीक। अवशिष्ट ऊर्जा यानी ऊर्जा क्षमता की बात की गई तो अवशिष्ट ऊर्जा शामिल है इसमें, वनीकरण, ठीक। टिकाऊ विकास की बात की गई तो वनीकरण आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ग्रीन इंडिया भी आ जाएगा, ठीक। नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे आपको कहीं भी मेंशन नहीं था, ठीक। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार ने क्लाइमेट एक्शन प्लान के आठ लक्ष्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए, आठ लक्ष्य आपने देख लिया, इसका आपको आंसर 100% आ जाना चाहिए। ये आपका यूपीएससी के प्रश्न है ये, ठीक। सीपीएफ में पूछा गया था, यूपीएससी में ये प्रश्न आया है, और चूँकि दोनों सेम थे इसलिए हमने इसमें कराया, बस आपका ऑप्शन बदला है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे फर्स्ट पेपर में कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के आठ लक्ष्य कौन सम्मिलित नहीं है। सौर शक्ति की बात किया आपने कि ये सम्मिलित है, उपभोक्ता, उपभोक्ता है कि नहीं है, उपभोक्ता भी शामिल है, ठीक। आपने ऊर्जा क्षमता की बात की, सौर ऊर्जा, टिकाऊ विकास, हिमालयी पारितंत्र, अगर पारितंत्र है तो उपभोक्ता उसमें शामिल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका टिकाऊ कृषि की बात की गई, जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक मंच की बात की गई, ठीक। आवास क्षेत्र, आवास क्षेत्र हिमालयी आवास क्षेत्र की बात हो गई थी लेकिन वियोजक उसमें कहीं नहीं दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पे आप राइट आंसर इसको लगा लेंगे, ठीक ठीक है। नेक्स्ट चलें, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया, सामाजिक वन कार्यक्रम, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, भूमि संरक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमेंट में बताइए। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ किस आशय से गढ़ा गया, ये आपका पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ा गया कि यदि आपके पास एक लड़का है तो एक पेड़ लगाइए, ठीक। यानी कि पेड़ वन सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, नेक्स्ट प्रश्न है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यानी कि EIA का अध्ययन किसमें होता है, संपूर्ण वर्ष में, मानसून को छोड़कर तीनों ऋतु में, कोई भी तीन मौसम में, या सबसे खराब मौसम में। यानी कि जो हम लोग तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसको किस वर्ष में करते हैं, किस टाइम में करते हैं,
कि आपका जो तुलनात्मक यानी EIA होता है पूरे वर्ष किया जाता है। ठीक, ये आपका UGC में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, यह कौन करता है? ठीक, UNDP के द्वारा, WTO के द्वारा, IMF के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNDP के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ENVIS संस्थानों में से पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी कि ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ पे है? तो INVIS का जनसंख्या पर्यावरण केंद्र कहाँ पे है? IIT खड़गपुर, IIT नई दिल्ली, IIPS मुंबई। पॉपुलेशन का एकमात्र संस्थान है मुंबई। ठीक, जो आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। NIRS देहरादून। तो राइट आंसर इज NVIS का जनसंख्या पर्यावरण केंद्र आपका IIT खड़गपुर में है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के कार्यक्रम की समय सीमा क्या है? जो MDG है। ठीक, ये आपका जो प्रश्न है ये दिसंबर 2018 का प्रश्न है जिसमें MDG के बारे में पूछा गया था। MDG के 8 गोल हैं, हमने कराया था। सतत विकास लक्ष्य का लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें हमने MDG कराया है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि MDG के लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? 2000 से 2005, 2000 से 2015, 2005 से 2010 या 2000 से 2012। MDG हमने कई बार बताया आपको, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कब से कब? सन 2000 से लेके 2015 तक। ठीक, और उसके बाद ही SDG आपका आया है 2016 से लेके ये आपका 2030 तक कार्य करेगा। ठीक, SDG। तो राइट आंसर इज सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस उपयोग कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से लेके 6 माह होती है? किस कंपोस्ट की जो अवधि होती है वो 3 से लेके 6 माह तक निर्धारित की गई है, ऐसा पूछ रहा है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर अर्ध स्वचालित या पिट कंपोस्ट या स्वचालित वर्ज्य संपरिवर्तन यानी कि ऑटोमेटिक वेस्ट या पिट कंपोस्टिंग या सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर या वर्मी कंपोस्टिंग, तो 3 से लेके 6 महीने की जो निर्माण अवधि रहती है किसकी रहती है? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका है 3 से 6 पिट कंपोस्ट की रहती है, जबकि बर्मी कंपोस्ट की कितनी रहती है? तो बर्मी कंपोस्ट की आपका रहती है लगभग 1 से लेके 1.5 माह या 1.5 से लेके 2 माह, इस तरह से रहती है। ठीक, और जो आपका सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर की रहती है ये आपका लगभग 10 दिन के आसपास रहती है। ठीक, और जो ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर का है लगभग 24 से लेके 48 घंटे। ठीक, तो ये आपका जो निर्माण अवधि इनकी है ये निर्धारित है। तो यहाँ पे आपका ये UGC का प्रश्न है। ठीक, जून 2019 में पूछा गया था। ठीक, कब का है ये? जून 2019 का प्रश्न है। और ये वाला सॉरी जो पूछा गया ये भी जून 2019 का है। ठीक, ओलिगो ट्रैफिक झीलें, ये हमने आपको कराया है। देखिएगा, जब हम जलीय पारितंत्र की बात कर रहे थे उसमें झील पारितंत्र की बात किए थे, तो 3 टाइप के झीलों की बात किए थे। आप कमेंट में बताएंगे कौन कौन सी 3 टाइप थी। ठीक, तो ओलिगो ट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है? पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का निम्न स्तर या पोषकों का अभाव या जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। ठीक, तो ओलिगो ट्रैफिक झीलों की क्या विशेषता होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका कमेंट में बताइए आप सभी लोग, जो ओलिगो ट्रैफिक झील होती है उसमें क्या होता है? पोषकों का जो स्तर होता है वो निम्न स्तर होता है। ठीक, जैसे जैसे ये ईओट्रॉफिक में आती हैं यानी सुपोषण स्तर में आती हैं, वहाँ पे पोषण स्तर का जो मामला है ये उच्च हो जाता है। ठीक, हाई लेवल का न्यूट्रिएंट्स इन ईओट्रॉफिक लेक्स बट ओलिगोट्रॉफिक लेक्स इन लो लेवल न्यूट्रिएंट्स। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? ये भी हमने आपको कराया है। ठीक, तो जलीय पारितंत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने इसका पूरा लाइन टू लाइन ये कराया है किस तरह से है। ठीक, तो यहाँ पे
तापमान में जैसे वृद्धि होगी, जल में जो ऑक्सीजन विघटित होता है या डिसॉल्व होता है उसकी मात्रा क्या होगी, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या तापमान परास के अनुसार ये बढ़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो उनमें ऑक्सीजन डिसॉल्व की क्षमता होगी ये घट जाएगी। समझ में आया, क्योंकि जो संघनित पदार्थ में एक बॉन्डिंग एनर्जी होती है उसमें परस्पर कर क्या है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, लेकिन जब आपका टेम्परेचर उसमें जाएगा तो वो जो कण हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग में बंधे रहते हैं वो क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, दूसरे से दूर हो जाएंगे और बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। ठीक, तापमान जब बढ़ेगा तो। समझ में आया, नेक्स्ट आइए, रियो प्लस 20 सम्मेलन यानी 2012 का जो सम्मेलन था रियो प्लस 20 की बात करें, रियो प्लस 10 की बात करें तो 2002, प्लस 20 की बात करें तो 2012, 2002 का कौन सा, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो सतत विकास पे था, 2012 का कौन सा सम्मेलन, रियो प्लस 20 इसी नाम से आयोजित किया गया था। पूछ रहा है कि इसका मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था, यानी कि जो रियो 20 का कॉन्फ्रेंस था, रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। ठीक, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो आपका 2002, 20 जोड़ दीजिए तो 2012। ठीक, तो पूछ रहा है कि कौन सा, किस लिए ये रियो प्लस 20 सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए था, या IMDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए था, या आपका राष्ट्रीय विकास नीति के लिए था, या आपका राष्ट्रीय भूमि पुनर्स्थापना रणनीति के लिए था। तो जो सही उत्तर यहाँ पे किस लिए ये था, रियो प्लस 20 ये आपका समर्थनीय विकास लक्ष्य यानी कि SDG के लिए ये था। ठीक, SDG इसमें जो है आपका निर्धारित किया गया था 2016 से लेके 2030 तक, बाद में पेरिस समझौते में भी इससे संबंध में बात की गई थी। और इसमें क्या निर्धारित किया गया था, ठीक, सतत विकास से संबंधित ये इसमें बात की गई थी, और ये भी आपका रियो प्लस 20 यानी रियो जी डेनेरियो में ही ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, और इसकी जो थीम थी फ्यूचर वी वांट 1992 की थीम थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसलिए ये आपका 15 सितंबर 2015 को जो आपका SDG था इसी में अपनाया गया, और यहाँ पे कितने लक्ष्य किए गए, 17 गोल, ठीक, और 169 आपका एसोसिएटेड टारगेट थे, यानी कि उसके 17 उद्देश्य आप मान सकते हैं, 17 गोल और 169 उपलक्ष्य थे। ठीक, और जो MDG था, MDG में 9 उद्देश्य और 18 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक, हालांकि 8 इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, लेकिन यदि आपसे पूछेगा कितने लक्ष्य हैं MDG के निर्धारित किए गए थे, तो ये आपका 9 इसमें गोल थे और 18 टारगेट थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि MDG के संदर्भ में आपको बात करनी है कि MDG में कौन सा शामिल नहीं है। पहला है अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, बाल मृत्यु दर को कम करना। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है कि ABC सही है या ACD सही है या ABD सही है या ACD सही है। ठीक, यहाँ पे आपको सही उत्तर के बारे में बताना है कि कौन सा राइट है। ठीक, तो MDG के कुल, वैसे तो आपका जो लक्ष्य यहाँ पे 8 लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए थे। ठीक, तो जो UNO था वो 9 लक्ष्य मानता है और 18 टारगेट MDG का। ठीक, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा इसका 8 निर्धारित किया गया। तो यदि प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछे, ऑप्शन में आपका 9 गोल और 18 टारगेट दिया रहे,
ठीक, तो आप ये लगाइएगा, यदि 8 गोल और 18 टारगेट दिया रहा है तो ये लगाइएगा, ठीक। तो दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो आपने मिलेनियम डेवलपमेंट यानी एमडीजी हम आपको ये डिटेल इसका नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे कि कितने गोल्स हैं, बस यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सा इसमें शामिल था। तो यहाँ पे जो आपका ए बी और डी, डी यानी कि बी यानी कि मातृ सुधार में, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, डी यानी कि बाल मृत्यु को कम करना, ए यानी कि अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन करना, ठीक। चूंकि 9 इसलिए हो जाता है जो आपका हमने बताया अभी, उसमें जैसे आठवां जो आपका है एचआईवी एड्स या मलेरिया बीमारी, तो उसमें एक और जनसेवा बीमारियों को भी लड़ने का 9वां शामिल कर दिया गया था। पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित रखना है। यहाँ पे देखिए, जो हमने आपको कौन कौन सम्मेलन में पहला जो प्रश्न था आपका इसी से संबंधित था, और ये आपका COP 21 के नाम से जाना जाता है, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, ठीक। और इसमें बात की गई थी, और IPCC की जो 5वीं रिपोर्ट भी आ गई थी इसी समय, ठीक, जो IPCC की 5वीं रिपोर्ट थी। तो ऑप्शन आपके पास 1, 2, 5 या 3 डिग्री है। इसमें कह रहा है कि तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक करण के स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना था, यानी कितने तक ही यहाँ पे सीमित करना था, उसके अधिक वृद्धि नहीं देनी थी। तो आपका जो राइट आंसर है पृथ्वी के तापमान का, तो ये आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया था, इससे ज़्यादा नहीं होने देना है 21वीं सदी का तापमान, ठीक। और साथ ही इसमें ये भी बात की गई थी कि इसके बाद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान के आमतौर पर अधिक होता है। हमने आपको उष्मा, शहरी उष्मा दीप की बात की थी, ठीक, सेम वही आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे तर्क दिया है कि शहरी क्षेत्रों में आने वाले विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती है, यानी कि कह रहा है कि जो आसपास का तापमान है वो इसलिए बढ़ जाता है शहरों का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकिरण आ पाता है, यानी कि जो आपका शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव आता है और लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स जो अर्थ छोड़ती है, वो आपका ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में वापस चला जाता है वायुमंडल में, जबकि शहरों में नहीं जा पाता, ठीक। तो ये आपका बात सही है, इसलिए शहर रात में गर्म होते हैं, ठीक। रीजन दे रहा है कि शहरी क्षेत्रों में होने वाली, ये आपका सॉरी असर्शन यही था जो हमने पहले पढ़ा था। रीजन ये है कि शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती हैं, इसी कारण से ये आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ठंडा और शहरी क्षेत्र आपका गर्म रहता है, ठीक। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को पोषित भी करते हैं। अर्बन हीटलैंड का कॉन्सेप्ट हमने अब आपको बताया था, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें राइट आंसर पहला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हैं, कथन है। ये हमने नहीं कराया है IAS से, लेकिन नोट्स में हमने इसको इंक्लूड किया है, ठीक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही स्थित हैं, ये कथन कह रहा है, ठीक। ये भी बात सही है। IAS से आप गूगल कर लीजिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो आपका पेरिस समझौते के तहत भारत और फ्रांस दोनों के सहयोग की वजह से इसका स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम या हरियाणा में है, ठीक। जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है, ऐसा कह रहा है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन में आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों आपके राइट हैं, क्योंकि जापान भी इसका सदस्य है, ठीक। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि IAS के टोटल मेंबर इस समय कितने हैं,
ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? विच आर द फॉलोइंग डिजास्टर वी लॉन्ग्स टू बी कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजीज, सॉरी डिजास्टर, कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर में आता है? तो फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल, थ्री माइल आइसलैंड या द लब कैनाल डिजास्टर। नाभिकीय आपदा हमने नहीं आपको कराया है, नाभिकीय प्रदूषण आपको हमने कराया नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के टॉपिक में ये नहीं था, लेकिन फर्स्ट पेपर के टॉपिक में इंक्लूडेड है। ठीक, तो इसका मेंशन हम नोट्स में कर देंगे, तो वहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाभिकीय आपदा की श्रेणी में कौन सा आता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुकुशिमा जो आपका जापान में है, तो ये आपदा किससे संबंधित रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन बनाने का तात्पर्य ये है कि आपको क्रम भी डिसाइड करना है। ठीक, तो जो आपका चेरनोबिल है, ये आपदा जो है 1986 में यूक्रेन में, ठीक, जो आपका USSR था उस समय 1991 के बाद, ठीक, 1991 में USSR का विभाजन कर दिया गया था, यानी 1992 के आलमोस्ट आपका पूरा ये डिवाइड हो गया था USSR, तो रसिया बन गया और यूक्रेन अलग हो गए थे। ठीक, तो यूक्रेन में जो चेरनोबिल पड़ता है 1986 में यहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी। फुकुशिमा जो था ये आपका भूकंप आने के बाद जापान में सुनामी लहरें उठी थी और जो फुकुशिमा परमाणु पावर प्लांट था इसमें इससे टकरा कर यहाँ पे ये घटना देखी गई थी। ठीक, ये आपका 2011 में हुआ था, 2011 चेरनोबिल 1986। ठीक, थ्री माइल आइसलैंड जो है, थ्री माइल आइसलैंड घटना, ये आपका अमेरिका के वाणिज्यिक परमाणु में सबसे बड़ी दुर्घटना थी, 1979 में हुई थी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सिस्टमेटिक आर्डर में कर सकते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, चेरनोबिल, यानी ए वाला चेरनोबिल हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरे कौन सा है, दूसरा है आपका थ्री माइल आइसलैंड, ए के बाद सी है। ठीक, ए के बाद सी, फिर आपका डी, जो आपका द लब कैनाल डिजास्टर है, ये नाभिकीय से संबंधित, और फुकुशिमा आपका जो है ये यहाँ पे जो आपका चारों ऑप्शन बनाया है, तो जो चारों ऑप्शन बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं दी लब कैनाल डिजास्टर ये आपका नाभिकीय से नहीं संबंधित है, बल्कि चेरनोबिल कब हुआ था 1986, ए वाला भी राइट है, और फुकुशिमा 2011 राइट है, थ्री माइल आइसलैंड 1979 राइट है, यानी ए बी सी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए बी सी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के कुछ इंक्लूडेड हैं प्रश्न, आप देख लीजिए। हु प्रोपाउंडेड द टर्म ऑफ इकोलॉजी, मिवर्ट, टेलर या हैकेल या पीटर हैगेट। हिंदी में इसका मतलब कि किसने इकोलॉजी शब्द को पहली बार स्थापित किया, किसने इकोलॉजी शब्द को दिया। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। ठीक, नेक्स्ट आइए, हु यूज्ड टर्म इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एट फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, किसने जो है पहली बार इन्वायरमेंट ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक, ए एन स्टॉलर, ए एच स्टॉलर, ए जी टांसले, ई पी ओडम या हैवी टायर या बैरोज या एगर। ये देखिए, हमने पहला जो पार्ट आपका कराया था इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, पहले में ही हमने आपको ये बताया था कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का शब्द यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का शब्द पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया, तो आपका जो हैबिट और हेयर महोदय हैं इन्होंने किया था। ठीक, नेक्स्ट आइए, विच आर द फॉलोइंग यूज द टर्म ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ओडम, स्टॉलर, टांसले या क्लार्क। ठीक, इकोलॉजी आपने देखा किसने किया था, इकोलॉजी कमेंट में बताइए। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल, इकोसिस्टम इसका उल्टा कौन है वहाँ पे, ए जी टांसले। ठीक, आगे, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण
तथ्य या तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास एनर्जी फ्लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि ऊर्जा प्रवाह, जैविक अनुक्रमण, फूड चेन, फूड वेव, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक, तो कौन सा है? एनर्जी फ्लो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। हु प्रोपाउंडेड द टर्म ऑफ इकोलॉजी, ये तो हो गया है। गोइंग टूवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम पोल्स द वराइटी ऑफ प्लांट्स, जब हम पोल्स यानी कि ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वराइटी ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों या वनस्पतियों में क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्या वे इंक्रीज होते हैं यानी बढ़ते हैं, क्या वे डिक्रीज होते हैं यानी घटते हैं, क्या वे सेम रहते हैं या मेक या घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं यानी मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो राइट आंसर इज क्या है यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम लोग ध्रुवों से पोल की तरफ आते हैं तो जैव विविधता में क्या होता है आपको देखना पड़ेगा ये कि इक्वेटर यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो जैव विविधता है सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल बेल्ट की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होती है जैव विविधता यानी प्लांट्स की जो वैरायटी है वो बढ़ोतरी होती है। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड वेव, तो इसमें फूड वेव यानी कि खाद्य जाल कौन सा है? खाद्य जाल की परिभाषा आप जानते हैं, हमने बताया था आपसे। खाद्य श्रृंखला क्या है कि ये आपकी एक श्रृंखला नुमा रहती है, जब खाद्य वेव में क्या होता है कि एक ही पोषण स्तर के जीव कई चीज़ों का भक्षण या कई पोषण स्तरों के जीवों का भक्षण करते हैं। जैसे आप मानव को ले लीजिए, कई चीज़ें खाता है वो आपका, स्वपोषियों को भी खाता है यानी सर्वाहारी हो गया। ठीक, साथ ही साथ यदि आप जैसे सर्प वगैरह को ले सकते हैं, ठीक, या गिद्ध को ले लीजिए। ठीक, तो इसको यहाँ पे प्रश्न आपके पूछ रहा है कि फूड वेव क्या है, ठीक, कौन सा है? अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट लिंक्ड फूड चेन यानी कि बहुत लंबी जो आपका खाद्य श्रृंखला है। अ मॉडरेट साइज्ड फूड चेन हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल यानी कि एक मॉडरेट साइज्ड की जो खाद्य श्रृंखला है जिसमें मेनी ट्रॉफिक लेवल हो यानी कई पोषण स्तर हों। अ सीरीज ऑफ फूड वेव फूड चेन्स हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल या सर्कुलर फूड चेन। ठीक, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? अ सीरीज ऑफ फूड चेन हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल यानी कि खाद्य श्रृंखला की एक श्रेणी जो विभिन्न पोषण स्तरों को शामिल करे। तो राइट आंसर इसमें सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, पारितंत्र का कंपोनेंट नहीं है? डिकम्पोजर, एनर्जी कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट? तो जब हम आपको ये डिफाइन कर रहे थे इकोसिस्टम के कंपोनेंट में तो सभी हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपके ये तीनों हो जाते हैं जबकि डिकम्पोजर उतनी महत्वपूर्ण में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे जो हमने प्रश्न बनाया है इसमें राइट आंसर आपके चारों हैं। ठीक, डिकम्पोजर भी इकोसिस्टम का एक पार्ट माना जाता है पारितंत्र का, लेकिन ये आपका यदि प्रश्न में पूछा जाए और यही आंसर रहे, यही ऑप्शन रहे, तो आपको डिकम्पोजर लगाना है। ठीक, ये इसलिए हमने एक शामिल किया गया, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये काफ़ी विवादित भी रहते हैं, लेकिन जो आंसर माना गया है आयोगों के द्वारा ये आपका देखिए यूपी पीसीएस वगैरह में भी कई बार पूछा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज़ीरोफाइट प्लांट्स, तो ज़ीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं मरु पौधे या मरुभूमि में जो उगने वाले पौधे उन्हें ही ज़ीरोफाइट कहा जाता है, इनके लिए सब उगने के लिए सबसे सुटेबल कौन सा है? सहारा, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, पैसिफिक ओशन? तो जैसा कि ज़ीरोफाइट या मरुभूमि के जो पौधे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सहारा है ये मरुभूमि यानी मरुस्थल भूमि में उगेंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट वाटर पॉल्यूशन, लार्जेस्ट वाटर पॉल्यूशन, सबसे बड़ा जल प्रदूषण कौन सा है? कराया हमने सरफेस रन ऑफ, एयर पोल्यूशन, सीप या ऑफशोर पोल्यूशन, यानी कि जो आपका
सतही जल प्रवाह का प्रदूषण है वो है, या वायु का जो प्रदूषण है वो है, या सिप से जो प्रदूषण होता है, या ऑफशोर जो प्रोडक्शन होता है, या पोल्यूशन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट वाटर पोल्यूटेंट है सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका सरफेस रन ऑफ है। क्योंकि सतही जल जब प्रवाहित हो जाता है, यानी कि सतही जल की बात करें तो जैसे ये आपका सरफेस हो गया, इसके नीचे का जो वाटर है जब ये पोल्यूट हो जाएगा यानी कि प्रदूषित हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि इसमें सतही रन ऑफ जब होगा तो इससे बहुत ज़्यादा जल प्रदूषित हो जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग ईयर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP वॉज इस्टेब्लिश्ड? UNEP की स्थापना कब की गई, 1952, 1972 या फिर 1982? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है, 1972, पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था, ठीक। स्टॉकहोम कहाँ पे, स्वीडन में, और यहाँ पे आपका स्थापना हुई थी UNEP की, ठीक, 1972 में। यहाँ पे हम 10वां प्रश्न देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 46 मिनट हो गए, ठीक। और यहाँ पे काफ़ी हमने प्रश्न इंक्लूड किए हैं, लगभग आपको अभी यहाँ पे 30 प्रश्न और मिल जाएंगे, यानी 20 प्रश्न अभी और हैं, ठीक। तो उसको आगे वाले वीडियो में करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी बोरिंग फील करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका PDF यदि आप चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक, जो ग्रुप चल रहा है या जो कल ग्रुप बनेगा उसके लिए। और जो पढ़ाने का हमारा तरीका इसी तरह से रहेगा, ठीक, जो ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें, तो ग्रुप में हम क्या करेंगे, जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आपको इस तरह से मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा कि मान लीजिए जिस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक, उस टॉपिक पे आपको वीडियो से क्लियर किया जाएगा, साथ ही इसका PDF ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद इस पर आपको MCQ अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इस पर आया रहेगा उस क्वेश्चन को कराया जाएगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आने वाला कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक। आपने अब तक देखा जिन प्रश्नों को हम कराएं, और अब तक जो हमने पूरा लेक्चर एनवायरनमेंट का कंप्लीट किया है, उस लेक्चर को आप यदि देखेंगे तो आने वाला कोई भी प्रश्न एनवायरनमेंट का आप गलत नहीं करेंगे, चाहे वो कब आपका P1 का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, 5 प्रश्नों में 4 की गारंटी है कि आप वहाँ से कर जाएंगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, ठीक।